श्री कृष्ण भगवान की। चतुर्थ अध्याय का शेष भाग। यज्ञशिष्टामृतोभुज यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्तस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सतम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर पर लोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जान कर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे परमतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ तंत्र श्रेष्ठ है, और यावन मात्र संपूर्ण प्राण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि निंदनों को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर तथा उस ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलम्ब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भटक जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान नहीं अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तत्व द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। चतुर्थ अध्याय समाप्त। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये भगवत गीता मैंने विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए शुरू की है। ये आज चौथा अध्याय समाप्त हो गया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और आपके घर में जो परेशानियाँ हैं उसको कृष्ण भगवान मुक्त करेंगे, और जो वृद्ध जन चल फिर नहीं सकते, मंदिर तक नहीं जा सकते, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप उनको गीता जी का पाठ अवश्य सुनाएं। जय हो श्री कृष्ण भगवान की।